आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आप सभी के समक्ष कार्तिक मास के महात्म्य का 14वां अध्याय प्रस्तुत कर रही हूँ। आइए शुरू करते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री कृष्णा। आज कार्तिक मास का पढ़ूं 14वां अध्याय। भगवान मुझ पर कृपा करें, श्रद्धा भक्ति बढ़ाएं, जलंधर को इस प्रकार धर्म पूर्वक राज्य करते हुए देख देवता क्षुब्ध हो गए। उन्होंने महादेव शंकर को मन ही मन याद करना आरंभ किया। अपने भक्तों की इच्छा पूरी करने वाले भगवान शंकर ने नारद जी को बुलाकर देव कार्य की इच्छा से उन्हें वहां भेजा। शिव भक्त नारद भगवान शिव की आज्ञा से देवपुरी में गए। इंद्र आदि सभी देवता व्याकुल होकर शीघ्रता से उठकर नारद जी को उत्कंठा भरी दृष्टि से देखने लगे। सभी देवताओं ने नारद जी को अपनी व्यथा बताई और अपने दुखों को नष्ट करने की प्रार्थना की। तब नारद जी ने कहा, मैं सब जानता हूँ, इसीलिए मैं दैत्यराज जलंधर के पास जा रहा हूँ। ऐसा कहकर नारद जी देवताओं को आश्वासित कर जलंधर की सभा में गए। जलंधर ने देवर्षि नारद के चरणों की पूजा करके हंसते हुए कहा, हे ब्राह्मण, आप कहाँ से आ रहे हैं? यहाँ कैसे आ गए? मेरे योग्य जो सेवा हो उसकी आज्ञा दीजिए। नारद जी प्रसन्न होकर बोले, हे बुद्धिमान जलंधर, तुम धन्य हो। मैं अपनी इच्छा से कैलाश पर्वत पर गया था। वहाँ 10,000 योजन में कल्प वृक्ष का वन है। वहाँ मैंने सैकड़ों कामधेनु गायों को विचरते हुए देखा तथा यह भी देखा कि वहाँ चिंतामणि से प्रकाशित परम दिव्य, अद्भुत और सब कुछ सुवर्णमय है। वहाँ मैंने पार्वती जी के साथ शंकर जी को भी देखा, जो सर्वांग सुंदर, गौरवर्ण, त्रिनेत्र और मस्तक पर चंद्रमा धारण किए हुए हैं। उन्हें देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इनके समान समृद्धिशाली त्रिलोकी में कोई है या नहीं है। हे दैत्येंद्र, उसी समय मुझे तुम्हारी स्मृति हो आई और तुम्हारी समृद्धि को देखने की इच्छा से मैं तुम्हारे पास आया हूँ। यह सुनकर जलंधर को बड़ा हर्ष हुआ। उसने नारद जी को अपनी सब समृद्धि दिखाई। उसे देख नारद जी ने जलंधर की बड़ी प्रशंसा की और कहा, निश्चय ही तुम त्रिलोकपति होने के योग्य थे। ब्रह्मा जी का हंस युक्त विमान तुम ले आए हो और द्युलोक, पाताल लोक और पृथ्वी पर जितने भी रत्न आदि हैं सब तुम्हारे ही तो पास हैं। ऐरावत, उच्च श्रवा घोड़ा, कल्प वृक्ष और कुबेर का खजाना, यह सब भी तुम्हारे ही पास हैं। मणियों और रत्नों के ढेर भी तुम्हारे ही पास हैं। इससे मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, परंतु तुम्हारे पास स्त्री रतन नहीं है, उसके बिना यह सब फीका है। तुम किसी स्त्री रत्न को ग्रहण करो। नारद जी के ऐसे वचन सुनकर दैत्यराज जलंधर काम से व्याकुल हो गया। उसने नारद जी को प्रणाम करके पूछा कि ऐसी स्त्री कहाँ मिलेगी जो सभी रत्नों में श्रेष्ठ हो। नारद जी ने कहा, ऐसा रत्न तो महादेव शंकर के ही पास है। उनकी सर्वांग सुंदरी पत्नी देवी पार्वती बहुत ही मनोहर हैं। उनके समान सुंदरी मैंने आज तक कहीं नहीं देखी। भगवान शंकर के उस स्त्री रत्न की उपमा तीनों लोकों में कहीं नहीं है। देवर्षि नारद
जलंधर को ऐसा कहकर देव कार्य करने की इच्छा से आकाश मार्ग से चले गए। इस प्रकार कार्तिक मास के महात्म्य का 14वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। यदि आपको कार्तिक मास के महात्म्य का 14वां अध्याय पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, जय दामोदर भगवान, जय माता दी लिखना ना भूलें। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। जय माता दी, जय श्री कृष्णा।